अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जी एक और स्टील का गेट फिटिंग करने के लिए गए हैं लड़के। ये हो रहा है जी, ये हमारे कारीगर हैं, ज़बरदस्त कारीगर, ये साइड पे यही काम करने के लिए जाते हैं और गेट फिटिंग करने के मास्टर हैं जी। तो जहाँ पर भी गेट फिटिंग होगा तो यही गेट फिटिंग करने के लिए जाएंगे। हालांकि ये मिस्त्रियों का काम होता है, ये खुडे लगा के उसके अंदर कब्जे भराई कर देते हैं, लेकिन ये पिलर पहले बने हुए थे, अगर ऐसे ही खुडे लगा के उसके अंदर पिलर के अंदर वैसे ही पैरे लगा देते तो ये गेट गिर जाता, ये मजबूत ना रहता। तो अब इसको लगा के, इसको खुडे लगा के इसके अंदर जो सरिया होता है, सरिया के साथ इस कब्जों को वेल्डिंग कर देते हैं ताकि मजबूती रहे, क्योंकि सीमेंट बजरी में इतनी मजबूती नहीं रहती, इतनी जान नहीं होती कि वो गेट इतने वजनी गेट को सहार सके, इतने वजनी गेट को खड़ा रहने के, वो गिर जाएगा अगर इसके साथ सरिया के साथ वेल्डिंग करेंगे इसको। या तो पहले से बैरे लगे हों, सीमेंट जैसे बनते हैं पिलर ईंटों के, तो उसके साथ ही बैरे लग जाएँ तब मजबूत रहते हैं, या फिर इसके अंदर सरिया हो तो सरिया के साथ वेल्डिंग करें तब ये मजबूत रहते हैं। तो ये जी वेल्डिंग कर दिया है इन्होंने, फिटिंग करके लेवल करके बिल्कुल वेल्डिंग कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी होती है गेट फिटिंग करने की, तो हमने ये गेट फिटिंग करके दिया है। ये जी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त गेट है ये, इसमें CNC लगी और 4 इंची 1.5 इंची का पाइप है। ये 10 फुट का गेट और 3.5 फुट का एक पल्ला था, एक पिलर था, ये इनका बना था 1,50,000 का, बहुत ही हैवी गेट था ये बनवाया है इन्होंने। तो ये देखें, नीचे पिलर फ्राई कर दिया, ये 2 फुट नीचे जाता है ज़मीन के अंदर, इसकी फ्राई होती है तभी ये मजबूत होता है। ये 6 इंची वाला पिलर लगाते हैं, वो काफ़ी मोटा होता है, तकरीबन 250 मीटर मोटा, तो ये बहुत ही वजनी होता है। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त गेट बना है ये। तो ये भाई चिपक खड़ा है कि यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अल्लाह हाफिज़।